हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये अरवी के पत्तों की बढ़िया बनाई थी, इसको हमने फ्राई किया था एज अ स्नैक। आज हम बनाने वाले हैं इसकी ग्रेवी। तो चलिए बता देते हैं कि इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। वन लार्ज साइज अनियन, वन लार्ज साइज टोमेटो, वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट, वन टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टीस्पून फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट टू टेस्ट। अब हमें टोमेटो एंड अनियन का पेस्ट बना लेना है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया, इसकी पेस्ट बना ली है। अब सबसे पहले बड़ियों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करना है हमें इसे। ऑयल गर्म हो चुका है, हम बड़ियों को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमें इसे फ्राई करना है क्योंकि हम इसको पकाने वाले हैं बाद में। अभी फ्राई हो चुके, हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, फ्राई करके हमने इसको निकाल लिया है। अभी हम उसी ऑयल में मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाना डालने के बाद इसे क्रैकल होने देंगे। जैसे क्रैकल होने लगे, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे हम। देखिए क्रैकल हो रहा है, ये हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें हमने अनियन और टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। ये डालने के बाद हमें 30 सेकेंड तक इसे भूनना है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला हम बाद में डालेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तब हम उसमें चाट मसाला डालेंगे। ये बर्तन को हम जो उसमें मसाला लगा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल देंगे। तो मसाले को हम भुनने देंगे। देखिए हमारा मसाला भून रहा है, लेकिन अभी भी अच्छी तरह से भुना नहीं है, इसे हम और भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। ऑयल अगर अलग हो जाए मसाले से तो समझ जाइए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और अमचूर पाउडर डाल देंगे।
इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बड़ियों को भी डाल देंगे। इसमें हम पानी डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए इसकी। इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे हम, क्योंकि बाद में जब ये ठंडा होता है तो ये सूख जाता है, इसलिए और थोड़ा पानी। एक ग्लास पूरा पानी हमने इसमें डाला है। अभी जैसे सूखेगा और ठीक हो जाएगा ये। कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे हम। ज्यादा पकाना नहीं है, हमें एक बॉईल आने तक इसे पकाना है। जैसे बॉईल आ जाएगा हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी हम इसको ढक देते हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट हमने इसमें यूज किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ले सकते हैं। उसे ढक के पकने देंगे। चेक कर लेते हैं हम इसको। देखिए बॉईल हो चुका है, अभी बिल्कुल रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, उसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी बनकर रेडी है। जितना थिक हमें चाहिए था उतना हो गया है ये। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।